लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसमान से बरस रही बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान से किसान तबाह होकर रह गया है। धान हो या गन्ना, तिलहनी हो या दलहनी की फसलें चौपट होकर रह गई। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे लाखों के उसे पानी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में बाढ़ आ गई है। चार तहसीलें पलिया, निघासन, गोला और धौरारा के कई गांवों को शारदा और घाघरा नदियों की बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिया है। लखीमपुर से इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री ने मूसलाधार बारिश के बीच जाकर लोगों की परेशानियों को जाना। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए आई इंडिया की टीम ग्राउंड लेवल पर है। हम जैसा स्लोगन देते हैं, खबर आपकी नजर हमारी। आज हम ग्राउंड लेवल पर हैं और जबरदस्त बारिश यहां पर हो रही है। लगातार बारिश के कारण खेतों में जहां फसल नष्ट हो रही है, वहीं गन्ने की फसल कहें चाहे धान की फसल कहें और चाहे बात करें सब्जियों की, त्योहार सर पे है और हालात यहां पर ये बन गए हैं कि बाढ़ भी है। लखीमपुर खीरी की चार तहसीलें पलिया, निघासन, गोला और धौरारा, शारदा और घाघरा लगातार बारिश के कारण अपना कहर ढा रही है। बाढ़ और कटान के कारण किसान काफी परेशान है। इस वक्त इंडिया आई इंडिया की टीम ग्राउंड लेवल पर है। ये हमारा दायित्व भी है, ये हमारा फर्ज भी है कि हम गांव, गली, मोहल्ले की खबरें शासन, प्रशासन और आम जनता तक पहुंचाएं, जिससे आम जनता को इस विपरीत परिस्थिति में राहत महसूस हो सके। हम अपने ग्रामीणों से बात करेंगे कि इस वक्त के जो हालात हैं वो क्या फसलों के हालात हैं। क्या नाम है आपका, किस गांव में रहते हैं? श्याम मनोहर। अंदर देखिए, जोर से बोलिए। हाँ, क्या हाल है श्याम मनोहर? क्या हालात है इस वक्त? अरे बहुत पानी है, बहुत बेकार सब्जी के धान फसल की। सब्जी या धान फसल क्या नुकसान हुआ? नहीं, बेकार हुई। दुनिया में तो रोड पर बाजार लगी है, रोड पे बाजार लगी है। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं अभिनंदन देखे कहीं बताइए। क्या चाहते हैं सरकार, ये जो हालात है इसमें क्या आप चाहते हैं? सहायता करें सरकार से, जो है सहायता करें। हम लोग रोड पर खड़े हैं, हम सब पानी भरा है, मार्केट यहाँ रोड पर लगी है, बारिश भारी है। आप बताइए क्या खेतों का क्या हालात चल रहे हैं? अधिक वर्षा हो चुकी है, सीमा पार कर चुकी है, चारों तरफ बाढ़ का प्रकोप छा गया, जनधन के हान हो चुके हैं, किसान परेशान है, फसल नष्ट हो चुकी है लखीमपुर के लिए। अच्छा, आगे जो त्योहार आ रहे हैं इन पे भी कुछ असर पड़ रहा है? त्योहार का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, त्योहार का आदमी को संकट है। कोई प्रशासनिक सुविधाएं आपको अभी मिली गई? कुछ नहीं। देखिए लगातार बारिश के कारण जनमानस में काफी हाहाकार मचा हुआ है। आई इंडिया की टीम गांव लेवल पर जाके आपको दिखा रही है कि किसानों में कितनी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। किसान प्रशासन और शासन से राहत की गुहार करता नजर आ रहा है। आई इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से श्याम जी अग्निहोत्री, लखीमपुर खीरी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।